Okay, so we are going to repeat this question today. Example 9.8. एक छोटा सा करेक्शन हमको करना है, लास्ट स्टेप में करेक्शन करना है इनफैक्ट. तो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करूंगा बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट, तो इसलिए रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन. तो द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल. क्या बोला है क्वेश्चन में? अ फाइन बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट अपॉन द लॉन्गर साइड ऑफ अ प्लेन पैरेलल ग्लास स्लैब ऑफ ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री. कैलकुलेट लैटरल डेविएशन ऑफ रेड एंड वॉयलेट एंड लैटरल डिस्पर्शन बिटवीन देम एज दे एमर्ज फ्रॉम द अपोजिट साइड. रिफ्रेक्टिव इंडाइसेस फॉर रेड एंड वॉयलेट आर 1.51 एंड 1.53 रिस्पेक्टिवली. तो पहले तो लेट अस से दिस इज दैट ग्लास स्लैब. ओके, तो ये वो ग्लास स्लैब है. इस ग्लास स्लैब पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, समथिंग लाइक दिस, राइट? गुड. दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस. ये नॉर्मल टू द सरफेस है मान लो. देन व्हाइट लाइट जब ग्लास स्लैब में जाएगा तो ग्लास स्लैब हैज डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडाइसेस फॉर different colors and different colors will emerge in different directions. So that is the idea behind this question. Up. What we should know is, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए that कौन से color के लिए dispersion ज्यादा होगा, किस color के लिए कम होगा, मतलब bending किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा. This is what I am saying. Okay? तो यू मस्ट रिमेंबर, हमने कल भी लिया था, द रेड बीम विल गो समथिंग लाइक दिस. ओके, समथिंग लाइक दिस. देन लेट मी करेक्ट इट. दिस इज रेड बीम गोइंग समथिंग लाइक दिस. देन वॉयलेट विल गो something like this, and जो original direction था, this is the original direction. Okay, then वापस से second phase पे refraction होगा. So the beams are going like this. यहां पे confuse होने का कोई काम नहीं है. हम सिर्फ इस क्वेश्चन में लैटरल डेविएशन जो हमने सीखा है वो दो बार अप्लाई करेंगे. एक बार हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर वॉयलेट कलर, एक बार हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर रेड कलर. दैट्स इट. वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस थिंग, राइट? तो मैं वापस बता रहा हूं, वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न ट्वाइस, वन फॉर रेड कलर, one for violet color. Okay, then what you should know is this angle over here is angle of refraction for red color. So this angle is angle of refraction for red. Okay, and this angle over here is angle of refraction for violet. So to find out lateral deviation for violet, hum V se leke to original direction tak ek perpendicular draw karenge, VM. Similarly for red, we will do the same and we'll call this as RT. Okay, good, clear. Then if you remember or if you know that agar ye angle of incidence I hai, to
this angle, this one, will be I minus R, but R for red color. And this angle over here is I minus R V, right? So very simplified diagram this is. इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इट इज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को करना क्या है. हम लोगों को लैटरल डेविएशन मतलब लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला दो बार अप्लाई करना है. एंड लास्टली आपको बोला है व्हाट इज द लैटरल डिस्पर्शन, मतलब ये डिफरेंस बिटवीन द आउटगोइंग या एमर्जेंट रेड एंड वॉयलेट रेज. तो आई विल स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट इज given to us. What is given to us is सबसे पहले thickness of the slab. ये जो distance है thickness of the slab, this is given to us, that is 5 centimeter. Angle of incidence is given to us as 60 degree. Refractive index for violet color and for red color. For red color is 1.51 and for violet color is 1.53. This is what is basically given to us. हमको find क्या करना है, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए. हमको find करना है lateral deviation for red. That is RT. हमको find करना है lateral deviation for violet, that is VM according to the diagram. हमको find करना है lateral dispersion between violet and red, that is LV minus LR. इतना हमको find करना है, right? I am continuing the question from yesterday, last session, because I saw that few students have not understood. Everything was correct except for the last formula, जहाँ पे 1 by cos लिखना चाहिए था. मैंने सिर्फ cos लिखा था, but that is a very minor correction. उसमें कुछ ज़्यादा correction है नहीं. Then, instead of writing down formula now, I'll directly start with solution. You can use Snell's law here, okay? Snell's law आप use कर सकते हो. What was Snell's law? Snell's law was mu is equal to sine I by sine R. Right? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग red के लिए और violet के लिए दोनों के लिए apply करेंगे. तो I'll do it for red first. So, what you can obtain from here is sine of angle of refraction for red color is equal to sine of angle of incidence upon refractive index of red color. We know I is 60 degree, sine 60 is root 3 by 2. And mu R is given to us as 1.51. After solving this, you will end up getting 0.5735. अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको लॉग बुक उठाना होता है. लॉग बुक में नेचुरल साइंस का टेबल देखना होता है. वहां पे ये वैल्यू फाइंड करनी होती है, 5735 ये वैल्यू कहाँ पे हो देखना होता है, और वहां से आपको मिलता है एंगल. सो दिस एंगल टर्न्स आउट टू बी 35 डिग्री, राइट. सिमिलरली you will have to repeat all this process and find out what is RV. मतलब आप Snell's law apply करोगे, mu V equal to sin I by sin R of V, तो आपको वहां से मिल जाएगा 34 degrees and 28 minutes. मतलब roughly 34.5 degrees, क्योंकि 30 minutes मतलब half a degree होता है, तो 28 minutes is roughly half a degree, okay? तो 34.5 degree roughly बोल रहा हूँ मैं, right? If you know this much, then you should remember
कि हम लोगों ने लैटरल शिफ्ट मतलब लैटरल डेविएशन इस केस में उसका एक फॉर्मूला बनाया था, दैट वाज टी सेक आर। मैंने सेक नहीं लिखा क्योंकि आप यूज करते हो लॉग टेबल, ओके, और लॉग बुक में सेक का टेबल शायद ही नहीं होता, आई डोंट रिमेम्बर, हम जब लेते थे तब तो नहीं था। साइन कॉस टैन ये तीन थे, ओके, सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू राइट इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो मैंने गलती से डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, तो दैट इज द करेक्शन दैट यू शुड बी मेकिंग, ओके, एंड आई होप यू विल मेक दैट करेक्शन। आई जस्ट मेक सम स्पेस हियर बिकॉज आई नीड स्पेस। तो एल आर विल बी इक्वल टू टी बाय कॉस ऑफ आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर रेड कलर साइन ऑफ आई माइनस आर ऑफ आर, राइट? डू वी नो टी? यस। डू वी नो आर ऑफ आर? यस। डू वी नो आई? यस। वी नो ऑल ऑफ दिस। तो हमको यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा विच इज 2.56 समथिंग समथिंग, दैट इज लेफ्ट एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू, ओके, तो बहुत इजी है। इफ यू वांट आई विल जस्ट क्विकली डू इट ऑन कैलकुलेटर एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर, बट यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर्स, यू हैव टू यूज लॉग बुक्स। सो इट इज 5 1 बाई कॉस ऑफ 35, 60 माइनस 35 इज 25, सो इट इज 2.5796. Similarly, you will find LV, lateral shift for violet. That is, I am doing rough calculations by taking 34.5 degrees. 34 degree 28 minute नहीं ले रहा हूँ मैं, okay? So I am doing rough calculations, okay? Very very rough calculations. So that is 2.6119, okay? And if I subtract 2.5796 from it, I get. So why I am doing subtraction? Because हमको lateral dispersion मतलब violet और red में कितना distance है, emergent violet and red में कितना distance है, तो वो LV minus LR मैंने लिखा है, तो I have to subtract 2.6119 में से मुझे 2.5796 subtract करना पड़ेगा, and that will give me 0.032 something like this in centimeters, of course, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो except for cos r मैंने वहां पे डिवाइड करना चाहिए था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, इसके अलावा कोई करेक्शन नहीं था। एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर टू डिफरेंट कलर्स द फॉर्मूला ऑफ लैटरल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9.9। So in question number 9.9, for a glass n equal to 1.5, मतलब given में आपको पहले ही बता दिया है refractive index is 1.5, okay, for a glass prism having refracting angle 60 degree, determine the range of angle of incidence for which emergent ray is possible from the opposite surface and the corresponding angles of emergence. Also calculate the angle of incidence for which I is equal to E. How much is the corresponding angle of minimum deviation? So this question you have to understand very well. Okay, for a glass prism having refracting angle 60 डिग्री, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म। आपको अगर याद होगा हम लोग प्रिज्म के लिए व्हाट वी डू इज दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म। ओके देन इफ यू रिमेंबर दिस एंगल ओवर हियर इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड ए इज गिवन टू बी 60 डिग्री। Determine the range of angle of incidence for which emergent ray is possible from the opposite surface. If you remember, अगर आपको याद है, this is normal to the surface, let us say. Okay, so let me just reduce the width of the line. ये normal to the surface है. यहां पे एक ray incident हुआ, वो ray refract होके यहां आएगा, फिर यहां से वापस रिफ्रैक्ट होके बाहर जाएगा। बट क्या वो रे हमेशा बाहर जाएगा? इट इज नॉट श्योर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये दिस एंगल हियर, इसको हमने R2 बोला था इफ यू रिमेंबर। सो इट विल डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर एंगल बिकॉज when the light is traveling from denser to rarer medium, if the angle of incidence inside the denser medium is greater than the critical angle, the light gets totally internally reflected. Okay, right. So you need to have some basic idea behind what I am saying. क्योंकि अगर आप लोगों को ये basic नहीं पता, तो you cannot solve. So what you are supposed to do is, I am going to tell you this question, but इस question का कुछ background आपको देखना पड़ेगा, and that background you will find on page number 173. There's a box. Okay, so you have to check box on. There's a box with purple color. वहाँ पे थोड़ा सा theory आप पढ़ो. Why? Because I want you to read little bit. Because online is like online. Everything teacher is saying and you're listening. थोड़ा खुद को पढ़ना पड़ेगा, right? So in this question, ये जो box में लिखा है मैंने, वो जो box में textbook में है, वो पढ़ने के बाद you will understand जो condition ये लोग बोल रहे हैं कि opposite side से ray बाहर आना चाहिए, okay? करेक्ट, मतलब बेसिकली अपोजिट साइड से रे बाहर कब नहीं आएगा, उल्टा सोचते हैं कब नहीं आएगा। दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ एमरजेंस यू कैन हैव, जस्ट अ मिनट। अगर हमारा जो एमरजेंट लाइट है, इफ इट इज कमिंग लाइक दिस, ओके दिस द वन इन द रेड, ये हमारा एमरजेंट लाइट है मान लो। Okay, this is the maximum emergent light you can have. So the maximum value of angle of emergence has to be 90. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में वैसा ही बोला है. Determine the range of angle of incidence for which emergent ray is possible. Correct. अगर angle of emergence 90 से ऊपर हो गया, तो फिर light तो अंदर का अंदर आ जाएगा वापस. It will be going something like this. Total internal reflection. So हमको total internal reflection नहीं चाहिए. So according to the given condition, what you can have is maximum angle of emergence, Emax, should be 90. And for this, angle of incidence minimum value should be 27 degree 55 minute. अब ये कहाँ से आया? ये जो box है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, right? So I am going to make you work. थोड़ा सा खुद पढ़ो. Good. इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मैंने आपको एक चीज बताया था. दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. क्यों? अगर रे ऑफ लाइट ऐसा अंदर जा रहा है या फिर उल्टी डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब इफ द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, इफ द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम एंगल ऑफ एमरजेंस एंड एंगल ऑफ एमरजेंस विल बिकम एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो रे ट्रेसेस एग्जैक्टली द सेम पाथ इफ द डायरेक्शन इज रिवर्स. दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, राइट?
If the direction of ray is reversed, it traces exactly the same path. Okay, so what we can say is, from the principle of reversibility, of course of light, you can have maximum angle of incidence as 90 degree. Matlab, at the most the light can go this way, grazing to the surface. Grazing matlab usse touch karke jana, 90 degree angle of incidence, it can be maximum. Itna hi ho sakta hai, to logically bhi utna hi ho sakta hai. And you can have minimum angle of emergence as 27 degrees and 55 minutes. Okay, right, correct. Agar aap itna samajh paaye, then what we know is, we know that prism formula tells us refractive index of prism is equal to sine of kya hoga, a plus delta m by 2 upon sine of a by 2, right? Good. So you will write this as, you know what is a, you know what is value of mu, humko pata hai mu ki value 1.5 hai, sine of a is 60, so 60 plus delta m vol by 2 upon sine of 60 by 2. So this will be equal to 3 by 2 sine of 60 plus delta m vol by 2 upon sine of 30, and sine of 30 is half. Sine of 30 is half basically, okay? So you have to solve this. ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड आई विल राइट डाउन द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि ये इजी है, दिस इज प्रिटी सिंपल थिंग, राइट? तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट वैल्यू ऑफ डेल्टा एम टू बी अराउंड 37 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? कुछ नहीं, हाफ को वहां पे लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, 3/4 आ गया, 3/4 is 0.75, sine की value 0.75 कौन से angle के लिए होती है वो करो. चलो, I will tell you how to do it. Otherwise you will be like getting little confused over here. So what I am saying is, ये 3/2 और half multiply हो गया, तो 3/4 आ गया. Equal to sine of 60 plus delta m by 2. अब आपको 0.75, 3/4 is 0.75. फिर आपको लॉग बुक खोलना पड़ेगा, उसमें साइन के टेबल में देखना पड़ेगा कि व्हेन इज द वैल्यू ऑफ साइन 3/4 कब आता है 0.75, तो वो आता है 48 डिग्रीज 35 मिनट्स पे, राइट? तो साइन ऑफ 48 डिग्री 35 मिनट, और एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, क्योंकि अदरवाइज आई डोंट वांट टू लीव एनी कंफ्यूजन. तो 0.75 आता है साइन ऑफ 48 डिग्रीज 35 मिनट्स पे, इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, राइट? तो नाउ यू विल बी राइटिंग दिस एज 48 डिग्री 35 मिनट इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2. फिर ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 37 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स, ओके, राइट? तो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन. देखो, तीन पार्ट थे, एक द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज मिल गया,
minimum value should be 27 degrees 55 minutes this and maximum value is 90. ये 27 degrees 55 minute कैसे आया? That you have to do yourself. There's a box, purple colored box in your textbook, page number 173. You have to refer to that. थोड़ा खुद भी करो basically, okay? You have to do by yourself. Then delta time निकालने के लिए तो easy है. A दिया है, mu दिया है, prism formula लगा दिया. आगे और एक चीज पूछी है. Also calculate the angle of incidence for which I is equal to E. आपको याद है I is equal to E, okay? तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ये I equal to E से ही आता है, but anyways हमको याद होना चाहिए I plus E is equal to A plus delta, ऐसा फॉर्मूला था, करेक्ट? For I equal to E, A delta is equal to delta m, है ना? आपको याद होगा हमने लिखा था ये I equal to E, मतलब I plus I 2I equal to A plus delta m. मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करते वक्त ही लिखा था, राइट? इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो, याद नहीं होगा तो प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन वापस से देखो. That's why I like online lectures, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ जाता है और आपको अवेलेबल रहता है. इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन डू इट. तो I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू आता है I इक्वल टू ई पे. ए पता है, डेल्टा एम पता है, डिवाइड बाई टू. ए कितना? 60. 37 डिग्रीज 10 मिनट्स. तो 97 डिग्रीज 10 मिनट्स बाई टू, तो दैट विल बी 48 डिग्रीज 35 मिनट्स आफ्टर सॉल्विंग, राइट? क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट. ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डू इट स्टेप बाय स्टेप. सिर्फ पहला जो केस है दैट आई हैव लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, मतलब ओनली दिस मच, सिर्फ ये वैल्यू कैसे आई, दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू. देन डेल्टा एम निकालना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमको ऑलरेडी प्रिज्म फॉर्मूला पता है. म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, सिंपल, ओके? म्यू पता है, ए पता है, डेल्टा एम मिल जाएगा. फिर हमको बोला है अगर आई इक्वल टू ई है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई. तो आई इक्वल टू ई पे आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू आता है. ये प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते वक्त हमने लिखा था. वो भी नहीं याद होगा तो इतना तो याद ही होगा ना, म्यू स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर, ये वैल्यू आई होती है, ये वैल्यू आर होती है, इतना तो याद होना चाहिए. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ डेंस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री, थिन प्रिज्म है, ऑब्टेन एंगुलर डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर, मतलब डेल्टा वी डेल्टा आर बोला है, एंड डिस्पर्सिव पावर, मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई बोला है. तो दिस इज व्हाट यू शुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज. जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, इमीडिएटली आप लोगों को इमीडिएटली ये आना चाहिए, विदाउट एनी time you have to remember this. So I will first note down what is given to us. What is given to us is refracting angle 10 degree. What is given to us is refractive index of red color, that is 1.712. What is given to us is refractive index of violet color, that is 1.792. What we are supposed to find, we are supposed to find first angular deviation for extreme color, matlab delta v delta r, dispersive power matlab value of omega. Remember omega indicates dispersive power.
which formula or formulae we are going to need. First, we are going to need delta is equal to A mu minus 1 because this is a thin prism. Thin prism. ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने बताया था. जब प्रिज्म का एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल अगर 10 डिग्री या उससे कम होगा, ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. दूसरा, आपको पता होना चाहिए ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर. इफ यू रिमेम्बर, इट वॉज एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन कलर. इतना याद होगा तो सॉल्व होगा. क्यों? क्योंकि आई टेल यू व्हाइल सॉल्विंग डेल्टा मतलब हमने फॉर्मूला क्या लिखा था एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो फर्स्ट केस, फर्स्ट डेल्टा वी इज नथिंग बट ए टाइम्स ऑफ म्यू वी माइनस वन. A is 10 degree and mu v हमको दिया है 1.792 minus 1, मतलब 10 into 0.792, मतलब 7.92 degrees, क्योंकि वो degree में था तो ये भी degree में आएगा. Simple है, 7.92 degree आ गया. Delta r is a times of mu r minus 1. अभी A 10 डिग्री है, म्यू आर हमारे पास 1.712 है माइनस 1, तो इट विल बी 10 into 0.712, मतलब इट विल बी 7.12 डिग्री. तो ये आ गया डेल्टा आर. क्वेश्चन नंबर पार्ट टू, ओमेगा. ओमेगा एज आई टोल्ड यू इज डेल्टा मतलब एंगुलर dispersion divided by angle of mean deviation basically delta y. And you know angular dispersion was delta v minus delta r. Angular dispersion, the angular separation between extreme colors, that was angular dispersion. Okay, theory pata hona chahiye, otherwise nothing doing. You have to know. मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि ये JEE नीट CET का प्रिपरेशन थियोरेटिकल बैकग्राउंड के बिना नहीं होता. ओके, यू नीड टू नो दिस. देन डेल्टा वाई, मैंने ये भी बताया था थ्योरी में कि डेल्टा वाई मतलब मीन कलर येलो को मानते हैं. किसका मीन मानते हैं? एक्सट्रीम कलर्स का मीन मानते हैं. एक्सट्रीम कलर का मीन मानते हैं मतलब डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई टू. तो अभी we have values, so that is 2 times of delta v. Delta v we know it is 7.92 minus delta r is 7.12 upon 7.92 plus 7.12. isko solve karo and then finally you will get some value and that turns out to be around 0.1064. I have done this calculation, so this is the final value that you should obtain, 0.1064 dispersive power, right? So this is a very simple example. Bahut simple sa example tha, right? So ab tak hamara jitna theory hua hai उसके हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए. नाउ वी विल गो एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक आइडियली इन दिस केस इज सम नेचुरल फेनोमेनन रिलेटेड टू दिस रिफ्रैक्शन. ओके, एंड बट 9.9 इज डिलीटेड फॉर दिस ईयर और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ. जो जो इम्पॉर्टेंट है बट डिलीटेड है सिलेबस में से, मैंने वो कवर करवाया है, बट जो इम्पॉर्टेंट नहीं है दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक. ओके, सो नेक्स्ट इज
आपको याद होगा हम जब मिरर्स का केस देख रहे थे तो मिरर के केस में हम लोगों ने व्हाट वी सॉ वाज इन केस ऑफ मिरर्स बाय द वे I need to switch to inbuilt whiteboard now. Yes. Why? Because I don't know if the new board allows typing or not. Yeah. So, if you remember, अगर आपको याद होगा तो mirrors, when we were studying about mirrors, we saw something called as defects in the image formation. Okay, तो यहां पे भी defects आएंगे, defects of lenses, right? Or aberrations of optical images. If you remember, there was something called as aberrations. और ये aberrations क्यों आए थे उसके मैंने तीन रीजन भी लिखे थे, आपको याद होना चाहिए मिरर के केस में. पहला रीजन ये था दैट हम लोग बाय डिफॉल्ट जो भी हमने केसेस देखे थे इमेज फॉर्मेशन के फॉर अ मिरर, देयर दोज वर अंडर सर्टन कंडीशंस एंड दोज कंडीशंस वेयर फर्स्ट that the rays are coming parallel to the principal axis, right? And they are close to the principal axis. So, pehla assumption tha that the rays are paraxial, right? The aperture is small, right? Correct? Then there were two more conditions. पर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से ऑफ कोर्स उस केस में मैंने कॉनकेव मिरर लिया था, तो मैंने ऐसा मिरर लिया था एंड मैंने बताया भी था जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को नियरर होते हैं उनका फोकस दूसरे पॉइंट पे होता है, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते हैं उनका फोकस किसी और पॉइंट पे होता है, समथिंग लाइक दिस. Just understand, okay? I don't want to draw figure up to the mark. So in such cases, I told you, instead of a point image, you get a blurred image. Agar maine focus pe ek plane rakh diya, screen rakh diya, in this case, if I keep a plane here at the focal point, I was expecting to obtain a single point image. But we get something in the form of circle. ऐसा मैंने आपको बताया था, right? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि mirror के केस में, in case of mirror, it is very easy to rectify this defect. मतलब ये defect को rectify करना बहुत easy है mirror के केस में. कैसे rectify करोगे? Simple. You have to take mirror with small aperture, right? But ऐसा ही एक error या defect या aberration lens के केस में भी होता है, और lens के केस में rectification मतलब उसको correct करना इतना easy नहीं होता है. And why it is not very easy is because when you talk about lenses, you don't talk about reflection, you talk about refraction. So sara problem ho jata hai start yahan pe. Why it is a problem? Because if I take a lens, okay, lens is made up of some material which is glass, and refractive index for glass is different for different colors. Matlab
मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा यू नीड टू कनेक्ट, पॉइंट बाय पॉइंट कनेक्ट करो, मतलब क्या होगा। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो व्हाट हैपेंस इज हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रेड लाइट है, ओके, बेसिकली इंसिडेंट तो व्हाइट लाइट ही होगा, सो लेट मी ड्रॉ व्हाइट लाइट। मैं व्हाइट लाइट ब्लैक में दिखा रहा हूं क्योंकि बोर्ड व्हाइट है, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो दिस इज व्हाइट लाइट विच इज इंसिडेंट। हमको पता है कि व्हाइट लाइट हैज सेवन कंपोनेंट्स, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज व्हाइट लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, ओके। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज हमको पता है कि लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे कम डेविएशन मतलब सबसे कम रिफ्रैक्शन रेड कलर का होता है, तो रेड कलर के जो रेज मतलब जो रेड कलर होगा इट विल बेंड लेस एंड इट विल बी फोकस्ड समवेयर ओवर हियर। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई कैन से इज द फोकल पॉइंट फॉर रेड कलर एफ आर, ओके, राइट। सिमिलरली हमको क्या पता है कि वॉयलेट कलर का बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है, तो वॉयलेट विल बी बेंडिंग ओवर हियर, है ना। तो वॉयलेट का रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वॉयलेट कलर का फोकल पॉइंट कहीं और है। तो ब्लर्ड इमेज बनेगा, जैसे मिरर के केस में जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को बहुत क्लोज थे उसका फोकस अलग पॉइंट हो रहा था, और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर थे उसका फोकस कहीं और हो रहा था। यहां पे इट इज नॉट अबाउट द रेज नियर और अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अबाउट हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स, बिकॉज अल्टीमेटली अल्टीमेटली इसमें रिफ्रैक्शन क्यों होगा। बोलोगे तो लेंस है, प्रिज्म थोड़ी है, लेंस है, व्हाई शुड रिफ्रैक्शन, व्हाई शुड डिस्पर्शन हैपन। क्योंकि देखो द आइडिया इज दिस, डिस्पर्शन कहाँ होता है, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि डिस्पर्शन होता है प्रिज्म में, ये तो लेंस है, राइट। पर लेंस हो या प्रिज्म हो, मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास क्या करता है, डिस्पर्स करता है, मतलब ग्लास क्या करेगा, कलर्स को स्प्लिट करेगा, राइट। नाउ अगर ऐसा भी नहीं समझ में आता ना, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इमेजिन, हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं दैट द लेंस फॉर एग्जांपल बाइकॉन्वेक्स लेंस इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिजम्स, है ना। मैं ऐसा मान सकता हूं ये लेंस है, ओके, ये ऊपर का प्रिज्म नंबर वन, नीचे का प्रिज्म नंबर टू, मतलब दो प्रिज्म बेस टू बेस कनेक्टेड है, दैट मेक्स अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो टू प्रिज्म कनेक्टेड बेस टू बेस मेक्स अप अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव के लिए भी ऐसा ही है, बट कॉनकेव के लिए उल्टा है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, बाय द वे ये वर्टेक्स होता है, दिस पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ प्रिज्म, मतलब बेसिकली एज ऑफ प्रिज्म जो होता है रिफ्रैक्टिंग एज। मैं ऐसा भी तो कर सकता था ना, बाय कॉनकेव के लिए व्हाट आई कैन डू इज दिस इज काइंड ऑफ अ बाय कॉनकेव लेंस, समझ लेना, थोड़ा सा ड्राइंग गलत है मेरा, बट एनीवेज। तो ये ऊपर का प्रिज्म वन, नीचे का प्रिज्म टू, सो यू आर कनेक्टिंग वर्टेक्स टू वर्टेक्स, रफली बोल रहा हूं, मतलब लेंस इज नथिंग बट लेंस कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स। प्रॉब्लम अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि जब लेंस में से व्हाइट लाइट पास होगा तो डिस्पर्शन होने वाला है, क्योंकि लेंस इज नथिंग बट मोर और लेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स, ऐसा इमेजिन करते हैं हम लोग।
डिस्पर्शन हुआ इसका मतलब रेड कलर का फोकस कहीं और, ब्लू का कहीं और, वायलेट का कहीं और, ऑरेंज का कलर कहीं और. वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम कलर्स विच आर रेड एंड वायलेट. तो इमेज तो जितना शार्प बनना चाहिए उतना नहीं बनने वाला, इमेज इज गोइंग टू बी ब्लर्ड. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? द सॉल्यूशन टू दिस इज कि आप दो लेंस को कांटेक्ट में रखो, एक बाइकॉनकेव और एक बाइकॉनवेक्स ऐसा. सो यू हैव टू टेक टू लेंस बाइकॉनकेव एंड कॉन्वेक्स एंड कीप इट टुगेदर टू मेक दिस करेक्शन, राइट? क्यों? क्योंकि कॉन्केव जो है वो डाइवर्स करता है और कॉन्वेक्स जो है वो कॉन्वर्स करता है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन व्हेन केप्ट इन कॉन्टैक्ट कैन ब्रिंग ऑल द कलर्स टू द सेम फोकस. या फिर यू कैन यूज टू कॉन्वेक्स लेंसेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, राइट? अब इससे क्या होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर 12th. तो अभी हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे. The solution to aberration, by the way, this is called as chromatic aberration. इसको बोलते हैं chromatic. With chromatic क्यों? Chroma means color. तो ये जो defect है, मतलब aberration जो है, aberration is defect, correct? ये defect क्यों आया? Because of different colors. मतलब chroma की वजह से correction आया, defect आया, तो chromatic aberration. When a light has many colors, it is called as chromatic light, या फिर polychromatic light. Okay, this is just to remember, याद रहने के लिए. So the corrections are because of different colors. The defect is due to different color. That's why it is called as chromatic aberration. So solution ये है. Solution है कि दो lens को use करो. Okay, एक concave, एक convex kept in contact, या फिर दो convex separated by a small distance. Up, what happens is, जब आप दो lens को का combination use करते हो, तो the focal length 1 by f is 1 by focal length of first lens plus second lens. ये first lens है, ये second lens है. Correct? इसका focal length f1 है, इसका focal length f2 है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ f. सो 1 बाय f इज गिवन बाय 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2. बट व्हाट वी नो इज फ्रॉम लेंस मेकर इक्वेशन, 1 बाय f इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. मैं ऐसा करता हूं, जो बुक ने ट्रिक यूज किया है मैं भी वही ट्रिक यूज करता हूं. दैट जस्ट अ मिनट, राइट? तो ये जो आपके पास ब्रैकेट है एक, उसको कुछ एक नाम देते हैं ना, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन में आएगा. दैट्स व्हाई आई विल से म्यू माइनस वन एंड आई विल जस्ट से दिस इज सम कांस्टेंट के. मान लेते हैं के है, राइट? तो व्हाट यू शुड नो इज 1 बाय f, ये क्या था, 1 by f1 plus 1 by f2, correct. But अगर मैं दो लेंस है ना, पहले लेंस की बात कर रहा हूं, तो 1 by f1 mu 1 k1 and 1 by f2 will be mu 2 minus 1 into k2. सिर्फ इस ब्रैकेट को मैंने k बोला था, that's it, right? तो 1 by f1 is mu 1 minus 1 into k1 plus 1 by f2 is mu 2 minus 1 k2. So 1 by f, basically by formula you will get this as, add karna padega, aapko solve karna padega. So wo hum log baad mein kar lenge, but what is important is this. What is important? अल्टीमेटली करना क्या था हमको, रेड कलर का
और हमको वॉयलेट कलर का, दोनों कलर का फोकस एक ही जगह पे लाना है, राइट? सो व्हाट वी वांट इज दैट एफ आर फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ फॉर रेड. दिस इज व्हाट वी वांट, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट क्यों था, अलग अलग कलर जो है अलग अलग जगह पे फोकस हो रहा है, उसको एक जगह पे लाना है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, करेक्ट? तो इसका मतलब अल्टीमेट एम इज टू अचीव दिस. गुड, अभी मैंने लिखा, वी हैव जस्ट नाउ रोट, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/FV = 1/FR. मैंने अभी अभी लिखा 1/F, मतलब क्या 1/F1 + 1/F2, क्योंकि दो लेंस है, तो 1/F1 फॉर वॉयलेट कलर, क्योंकि पहले लेंस में भी ये प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? कि वॉयलेट का फोकस अलग जगह पे होगा. प्लस 1/F2 भी दूसरे में भी वैसे ही होने वाला है, इक्वल टू रेड के लिए भी तो वही होगा, पहले लेंस का रेड कलर का फोकस, दूसरे लेंस का रेड कलर का फोकस, करेक्ट? राइट, ये पता होना चाहिए. देन मैंने आपको अभी अभी 1/F इन टर्म्स ऑफ म्यू -1K लिख के दिया, राइट? तो ये याद रखो, क्या आया था हमारे पास 1/F1V + 1/F2V = 1/F1R + 1/F2R, राइट? यू नीड टू रिमेम्बर दिस, एंड ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस दैट 1/F इन जनरल इज गिवन बाय म्यू -1 × K. तो 1/F1V विल बी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट प्रिज्म फॉर फर्स्ट लेंस फॉर वॉयलेट कलर -1 × K, दैट इज 1/R1 - 1/R2 फॉर फर्स्ट लेंस. यहाँ पे ऐसा वी मत लिख देना लेंस का, क्योंकि K किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पे. रेडियस अच्छे से ध्यान दो, K किस पर डिपेंड करता है? R1 R2. अभी क्या रेडियस चेंज होने वाला है? क्या रेडियस चेंज नहीं होता. प्लस ये हो गया पहला, दूसरे के लिए μ2V - 1 K2 = 1/F1R μ1R - 1 K1 + μ2R - 1 K2, right? So you have to solve this, okay? So after solving this, you will get K1/K2 = μ2V - μ2R / μ1V - μ1R, right? तो ये सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलने वाला है, यू विल गेट दिस, राइट? सो वी स्टिल हैव टू डू अलॉट ऑफ मैथमेटिक्स हियर, दैट विल बी कंटिन्यूड टुमारो बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. एंड बट जस्ट टू टेल यू अ क्विक रिवीजन, क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ लेंस, इन दैट केस different colors will come to focus at different point, मतलब वहां पे एक defect है, that is called as chromatic aberration. उसको correct करने के लिए हम लोग lens का combination use कर रहे हैं, correct? Right. तो 1/F is 1/F1 + 1/F2, क्योंकि हमने lens का combination use किया, तो दोनों lens मिला के एक single lens बनेगा, and that single lens का focal length will be given by this, right? Then we have used lens maker equation, and हियर ऑनवर्ड्स मैं पूरा का पूरा कल अच्छे से वापिस करवा के हम लोग डिराइव कर लेंगे. सो इट्स टाइम टू स्टॉप हियर फॉर थियरी क्लास.